विभाग ने अवैध आरा मिलों के संचालन करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के नुरंगों में डुमरी वन विभाग ने अवैध आरा मिल में छापेमारी की, जहां वन विभाग को मौके से 50,000 की बेशकीमती लकड़ी के साथ साथ आरा मशीन और डीजल इंजन को जब्त कर लिया। साथ ही छापेमारी के दौरान टीम ने झोपड़ी नुमा घर में बने आरा मिल को जेसीबी से उखाड़ कर पूरी तरह नष्ट कर दिया। क्या करवाई इसमें ऐसा हुआ ना कि हम लोग को दो दिन पहले सूचना मिली थी कि ना ये नवाब क्या नाम है नुरंगों में एक अवैध सॉमिल का संचालन हो रहा। असल में कुछ लकड़ियां अगल बगल के क्षेत्रों से भी वहां पे जाने की सूचना हम लोग को दो दिन पहले ही मिली थी। हम लोगों ने टीम गठित किया और गठित करके आज हम लोग ने वहां पे छापामारी किया। छापामारी करने पे हम लोग देखे कि वहां पे पोटेंशियल था, मतलब लग रहा था कि दो चार दिन पहले यहाँ पे लकड़ियों का सौन किया गया है, और वहाँ पे जब हम लोग देखे तो चार पांच बोटा भी पड़ा हुआ था। तो वो बोटा और सौ मील का बेंच और जनरेटर सेट, ये सभी को हम लोगों ने सीज कर लिया। कितना का सर लकड़ी होगी? ये लगभग 50,000 के आसपास का होगा। मशीन की कीमत तो लाखों में है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। कौन था सर इसका संचालन? वहाँ पे एक ठाकुर राय करके हैं, वही इसका संचालन कर रहे हैं। गिरफ्तारी तो वो समय पे था नहीं, वहाँ पे सूचना मिल गई होगी हम लोग को, हम लोग के आने का। जंगल की लकड़ी कोई खपाया जा रहा नहीं? जंगल की लकड़ी तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी अब हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करते फिर हम लोग पता करेंगे कि लकड़ियाँ है एग्जैक्टली किस जगह। आपको बता दें कि छापेमारी टीम का नेतृत्व डुमरी रेंजर राजीव रंजन कुमार ने किया था। टीम में प्रभारी वनपाल रोहित पानुरी सहित वन रक्षी भी शामिल थे। राजीव रंजन ने बताया कि ये लकड़ियां कहां की हैं, अभी उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल इस मामले में एक व्यक्ति को नामजद बनाते हुए मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि छापेमारी गुप्त सूचना पर की गई थी, जिसमें अधिकारियों को आता देख सभी मजदूर मौके से गायब हो गए। साथ ही मिल का संचालन करने वाले ठाकुर राय भी वन अधिकारियों की पहुँच से दूर है। फिलहाल वन विभाग ने आरोपी ठाकुर राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और मामले की जाँच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट।